के समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। साथ में G20 सदस्य विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 80% से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% और विश्व की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्पत्ति, यह एक मंत्री स्तरीय मंच है जिसे G7 द्वारा विकसित एक विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया है। वर्ष 1999 से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। G20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं, जिसमें विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। G20 के कार्य, जैसे हम जानते हैं कि G20 के मुख्य 2 कार्य होते हैं, एक फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक वे ट्रैक होते हैं जिसमें G20 समूह के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनिमय, राजकोषीय मुद्दे एवं मुद्दा पर केंद्रित होता है। शेरपा ट्रैक वे ट्रैक होते हैं जिनमें राजनीतिक चुनाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापारिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है समूह के सदस्य। इनके G20 समूह में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। G20 के कार्य एवं संरचना, G20 समूह का अध्यक्ष पद सदस्य देशों के मध्य वार्षिक तौर पर एक प्रक्रिया के तहत रोटेट होता रहता है, जो समय के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। इसके अतिरिक्त G20 समूह का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करके G20 एजेंडा को लागू करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उत्तरदायी है। सहयोग, वर्ष 2010 में टोरंटो में G20 राष्ट्रों के नेताओं ने इसे वैश्विक आर्थिक कोऑपरेशन का प्रमुख मंच घोषित किया गया था।